भाई सारे भाइयों ने भाई राम राम। तो भाई अभी ना काम पे जा रहा था, तो अभी तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें हम काम पे कैसे क्या काम करते हैं। हमारा तो बड़ा चिल काम है। तो यहाँ पे कनाडा में काम कैसे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे कैसे काम करते हैं, कौन सी जगह पे काम करते हैं, कैसी जगह वो दिखती है और कितना पे रेट है, सब कुछ, जितना भी सब कुछ मतलब काम के बारे में, ठीक है। तो आज मतलब काम पे हम कैसे काम करते हैं ना वो दिखाऊंगा सारा। वहाँ पे शूट अलाउड तो नहीं है बट ट्राई करूंगा मैं, ठीक है। तो चलते हैं, बस पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ तो मैं। भाई घर से निकल गया हूँ और अभी बस पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। बस के लेट हो रहा था। मौसम भाई इतना अत हो रखा है ना मौसम। भाई काम का 1.5 घंटे का रास्ता है और अभी मैं ब्रैम्पटन में हूँ, मेरा काम इस आगा में है। तो भाई बस के लिए मैं पहले ही लेट हूँ। लेकिन भाई तुम्हें दिख रहा है मौसम, भाई मौसम देखो यार, वाओ ब्रो। कि आज भाई मौसम ना पता है ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे ना गर्मी आ रही है, यहाँ से सर्दियाँ जा रही हैं, ठीक है। वो जो बीच से मौसम नहीं होता, हल्का हल्का बारिश होती है, कभी कभी धूप निकलती है, तो मतलब ना वो बिल्कुल इंडिया वाला मौसम लग रहा है मेरे को आज। और हाँ आज ना भाई मैं सब कुछ ना काम के बारे में बताऊंगा। वहाँ पे मेरा भाई, वहाँ पे ना काफ़ी सारे काम पे दोस्त है मेरे साथ ना, एक वो है भाई लड़का है सोमालिया का, दोस्त है भाई अपना मेरी उम्र का है। तो वो भाई अब सोमालिया मतलब नॉर्थ अफ्रीका, पता नहीं ईस्ट अफ्रीका में कुछ, तो उसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं भाई, बस पूछ लेके अभी चलते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा खाना तो ले लिया भाई, टिफिन लगवा रखा है। और वहाँ पे जाके आके मैंने ना रास्ते में भाई मैं केले या दूध सा लेता हूँ ताकि एक एनर्जी बनी रही। भाई देख लो कितनी मीठी मीठी हवा चल रही है। अभी तो मैं बस से उतर गया हूँ और अभी मैं ब्रैमली सिटी सेंटर है, मतलब यूँ कह लो कि एक ब्रैम्पटन का मेन जगह है, जहाँ पे पीछे दिख रहा है ना, पीछे सिटी सेंटर यूँ कह देते हैं। इसके अंदर ना यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल है पीछे, डिकैथलॉन दिख रहा है आई थिंक, तुम देखा होगा जीरकपुर में डिकैथलॉन बहुत जगह इंडिया के अंदर डिकैथलॉन। तो अभी भाई मैं ना ये पीछे दिख रहा है फ्रेशको मेरे, तो यहाँ पे भाई मैंने अभी वो केले कोले लेने आया, तुम बताया था ना मैंने थोड़ा बहुत दूध मैं क्या थोड़ा पी लिए, बड़े दिन हो गए। तो थोड़ा सा यार मतलब वो रहती है ठाड़ सी, काम करने में यार थोड़ा ये आसानी रहती है वरना बंदा थक जाता है जल्दी। तो तुम्हारे यहाँ स्टोर्स भी दिखा दूंगा कैसे होते हैं। तो ये पीछे बहुत बड़ा मॉल है भाई, पीछे हेडसन बे, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर। तो भाई बेस्ट बाय सब कुछ है। अभी तो पहले ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं भाई, ग्रोसरी तो क्या दो चार चीज़ लेने पीछे बस आने वाली, क्योंकि बस उतरा हूँ अभी, 5 मिनट में बस है। तो आई थिंक केले ये रे, केले भाई केले ले लें भाई सारे, भाई तो कच्चे पड़े हैं यार, कच्चे खा नहीं जा, ले लेते हैं फिर भी यार क्या दिक्कत है, थोड़े से ठीक है ये वाले। और पीछे दूध लेके आता हूँ मैं भाई, पूरा स्टोर है पीछे, थोड़ा सा तेज तेज चल रहा हूँ भाई मैं, मेरे को मैं हो रहा हूँ लेट भाई अभी, ठीक है। ये पूरा स्टोर है और मतलब दिख जाए ना ऐसे लाइन्स में सारा सामान रखा हुआ है। तो लास्ट में ना दूध होता है कभी भी किसी स्टोर में, तो भाई जो मैं दूध पीता हूँ तो ये वाला भाई, इसमें थोड़ा सा ना मतलब 3% है, 3% वाले में सबसे ज़्यादा फैट होता है, 2% वाले कम, सबका सेम रेट है, तो ज़्यादा फैट वाले लेते हैं। पीछे काउंटर्स है तो भाई भाई सब कुछ ले लिया केले कुले। और तुम्हें दिखा भी दिया स्टोर कैसा होते हैं यहाँ के, यहाँ के जनरल मतलब तुमने ये देखा होगा ना यार, अगर तुम रहते हो चंडीगढ़ में तो जीरकपुर में ना मेट्रो था, बेस्ट प्राइस था, वॉल बिल्कुल बिल्कुल सेम वैसे वैसे स्टोर है, अगर तुमने देखना हो ना एक्सपीरियंस करना हो। भाई ये देखो बर्फ जमी पड़ी है, तो बर्फ अभी मतलब यार अभी भी जम रखी है यार, ये कैसे, अब तो ऑलमोस्ट आ यार 8 डिग्री टेम्परेचर है। आज को तो ठीक रहने लग गया, आज कल तो मैं कल तो आधी बाजू में आया मैं, तो यूँ कह लो कि ठंड काफ़ी हद तक कम हो गई है भाई। पीछे ना मैं बस से तो उतर गया था, हेलो तो जाते हैं सर्दियों में यहाँ पे, जॉब तो भाई जनवरी वालों को तो मिलती नहीं, मतलब मैंने देखा 4-4 महीने से अभी खाली बैठे हुए हैं। तो आई विल सजेस्ट दैट कि इफ़ यू आर कमिंग इन जनवरी इन टेक, तो मेरे हिसाब में तुम भाई यहाँ पे आती ना ऊबर कर लेना, ऊबर द बेस्ट ऑप्शन है, मैं सजेस्ट करूँगा भाई। ऊबर में ना $100 अपना तुम बना के जाओगे, पर थाली बैठने से बचेगा, थोड़ा मेहनत है बट वर्थ इट है ब्रो। मैं जब स्टार्टिंग में कनाडा में आया था ना, मेरा शायद 8 तारीख को आया था, मेरे 10 तारीख को बर्थडे था, जिनके आया था उन्होंने मेरा बर्थडे भी मनाया था। तो उसके बाद भाई मैं ना अपना सिन नंबर लेने के लिए गया था, मेरे को याद है सुबह सुबह भाई मैं ना सुबह 4 बजे उठ लिया था घर से, नहा धोया, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि मैं 5 बजे पैदल निकल गया 8 किलोमीटर और सिन नंबर लेके आया अपना, वहाँ पे लाइन में लग गया सुबह सुबह। मतलब स्टार्टिंग में तो शायद मेरे को मिला भी नहीं था सिन नंबर, मैं इधर उधर जाता रहा बसों में, फिर लेकिन मैं
जब वहाँ पे सुबह सुबह गया ना, मेरे को लाइन में लगा, मेरा दूसरा नंबर, पाँचवा छठा नंबर था, मैं मेरे को मिला। मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी याद ताज़ा हो रही है, पाँचवा छठा मेरा नंबर था, मैं अपना सिन नंबर लेके आया। तो अब मैं ना घर ढूंढने के लिए जाता था, भैया कहते थे घर ढूंढने जा, जैसे इंडियन स्टोर्स होते हैं उनके बाहर लगा होता था कि भाई ये इतने बेडरूम, मैंने बहुत सर्च करा मेरे को मिला नहीं। मैं पैदल जाता था भाई स्टोर्स में, मेरे को पता दो दो प्लाजे छोड़ के मतलब पैदल जाता था, बस भी चलती थी बट मेरे को इतना हिसाब नहीं था, मैं ना प्रेफर करता पैदल चलती हूँ क्योंकि इंडिया में मैं बहुत पैदल चलता था। तो मेरे को ना वो चीज़ याद है, और तब भाई मैंने भाई वो याद कर रहा हूँ ना, मेरे को याद आ रही है वो दिन कि मैं कैसे पैदल चलता था। मैं सोचता था कि मैं भाई जॉब मिलेगी, अब घर मिलेगा। तो भाई मेरे को आती, मैं 8 तारीख को आया था, 25 के आसपास मेरे को जॉब मिल गई थी पहली। मेरी दूसरी जॉब मेरे को मिल गई थी 2-3 तारीख के आसपास अगले महीने की, अक्टूबर की, सितंबर में 8 को आया था मैं, थोड़ा सा लेट आया था क्योंकि यार फ्लाइट फ्लूट लेट थी मेरी। कल्ला चलता होता था, फिर मैं कल्ला डाउनटाउन घूमने गया था। वो भाई कल्ला घूमने गया ना, सच बता रहा हूँ, बहुत मज़ा है। तुम्हें अगर कल्ला घूमना आता है ना, द बेस्ट भाई, तुम हमारे जैसा बंदा नहीं है कोई, अगर तुम कल्ले घूम लेते हो, ठीक है, घूम घाम के आओ बढ़िया, अपना अपना माइंड फ्रेश होता है अपना भाई। यहाँ पे ना फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, वॉक पे निकल जाओ, ठीक है, साइकिल है साइकिलिंग करने निकल जाओ। यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल जगह है ना भाई, तुम्हारी सारा स्ट्रेस, तुम्हारा सब कुछ हम पर घर में मत बैठे रहना, घर पे इतना स्ट्रेस हो जाता है ना ब्रो, आई लिटरली एक्सपीरियंस इट। तो अभी भाई काम पे बस पहुँचने वाला हूँ, मैं छोटा सा एक्सपीरियंस बताया था कि मैंने घर भी नहीं मिला था मेरे को जॉब, मेरे को उन्होंने दिलवाई थी मतलब रेफरेंस से, मेरे को ऐसी जॉब मिली थी, दूसरी जॉब मैंने खुद अप्लाई करी थी, उन्होंने मेरे को बताया था कि अप्लाई करते, मैंने अप्लाई करी थी तो वो दूसरी जॉब मेरे को ऐसी मिली थी। अभी यार ऊपर भी कर लेते हैं, ऊपर में बढ़िया पैसा बनता है, पहले तो $300-$300 भी बनाते थे बंदे भाई। ये सारा ना जितना भी ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, मैं जब जहाँ पे अभी हूँ ना, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया पीछे मेरे दूर तक, ठीक है, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बनता है। इधर कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं है जिस एरिया में मैं आया हूँ। यहाँ पे जैसे मिस आ गई अंदर ना भाई सारी, अगर तुम रहते हो तो मैं मुझसे सजेस्ट करूँगा बेस्ट लोकेशन, अगर तुम्हारे ना माल्टन, सारी फैक्ट्रीज तुम्हारे सारे काम घर के पास होंगे ब्रैम्पटन में, क्योंकि काम बहुत कम है यार, सीधी बात है। मैं पहले माल्टन रहता था, फिर ब्रैम्पटन शिफ्ट हो गया था, तो यूँ है, बट माल्टन बहुत बहुत लोग बढ़िया लोकेशन है, मैं सोचूंगा दोबारा आने की। भाई काम पहुँच गया, भाई कई वेयर हाउसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, तो मतलब वेयर हाउस के पीछे यहाँ पे ट्रेज रखते हैं। सो भाई अभी हमारा पता है क्या काम है, अभी ना हमें रैक्स मूव करने हैं, वहाँ से पीछे से लेके आना, और ये फ्रीजर है, फ्रीजर के अंदर -11 कुछ है, तो यहाँ के अंदर मूव करने हैं। तो भाई हम काम पे बहुत सारे पुशअप्स कर लेते हैं, हर रोज ही करते हैं। काम खत्म होने के बाद भाई मैं दोबारा फ्रेश को चले गया था कुछ खाने के लिए, क्योंकि नाइट शिफ्ट थी फिर मेरी। भाई काम करने के लिए अभी पुशअप्स मार रहे हैं, ये अपना भाई है, कौन हम ये भाई तेरा भाई, अभी अभी शिफ्ट ओवर हो गया, पूरा ही वेस्ट उड़ा भाई, बहुत बड़ा प्लाजा था, बीचों बीच चल के आ रहा था, साइड में चलना बढ़िया नहीं लगता यार, बीचों बीच चलते हैं, ठीक है। काम हो गया, सुबह सुबह उठा, देखा काम पे गया, अब नाइट शिफ्ट पे जा रहा हूँ, अब नाइट शिफ्ट के बाद कॉलेज जाऊँगा डायरेक्ट। प्लाजा यहाँ पे पता किसी कहते हैं तुम, प्लाजा यानी वो जो पार्किंग नहीं होती मार्केट के आगे, वो पूरा बड़ा, अगर थोड़ी बड़ी पार्किंग होती, पीछे मार्केट चीज थी, पीछे वॉलमार्ट भी था, सब कुछ डॉलरामा, डॉलर स्टोर, यहाँ पे सस्ता सामान मिलता है चाइनीज, ठीक है। तो ये सारा बात कह रहा था मैं, तो ये वेस्ट फूड है भाई, और अभी मैं काम से आया, काम का दिन बहुत अच्छा गया, काफ़ी पुशअप्स हमारे, नाइट शिफ्ट पे जा रहा हूँ, नाइट शिफ्ट का काम वहाँ पे भाई फ़ोन अलाउड नहीं है, बाहर ही रखना होता फ़ोन। तो अभी भाई एक लास्ट बस है, ठीक है, और आगे भी फिर लास्ट बस है, तो यूँ रहता है कि छूट ना जाए, क्योंकि लास्ट बस का थोड़ा औखा काम है भाई, क्योंकि लास्ट बस छूट गई तो फिर ऊपर पर पैसे लगाने पड़ते हैं, और ऊपर पे वैसे ना लगाने पड़े, इसलिए मैं लास्ट बस पकड़ता हूँ। सो होप यू गाइस लाइक माय वीडियो टिल नाउ, एंड आई एम गोना शो यू माय वर्क एट फेडेक्स, व्हाट आई डू, एंड आई एम गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग, बिकॉज देयर इज वन पर्सन हु कम्स अर्ली विद मी, लाइक आई माय वर्क स्टार्ट नियरली एट 2 or 3, सो समटाइम्स एट 2 एंड समटाइम्स एट 3, सो आई एम गोना शो यू देयर, एंड
just stay tuned, bro. Hard. तो भाई आने वाली है बस, चल करो भाई, बस छूट गई तो चक्कर पै जाना है, तो मिलते हैं भाई बस के बाद, ठीक है, ओके, सी है, सी है।